punctuation and capital letter. Okay, so first of all we know about the punctuations. Okay, so what is about punctuation? जैसे कि हम सेंटेंस में बहुत सारे मार्क यूज करते हैं, लाइक कॉमा, फुल स्टॉप, फर्स्ट ऑफ यस एंड इनवर्टेड कॉमा, ये सारे हम मार्क्स यूज करते हैं, इट इज नोन एज पंक्चुएशन. ओके, सो बहुत सारे ऐसे पंक्चुएशन है कि जिसका हम सेंटेंस में जनरली यूज करते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज कॉमा. कॉमा इट मीन्स जो हम यूज करते हैं कॉमा, तो यू नो अबाउट इट. देन सेकेंड इज सेमी कॉलन. सेमी कॉलन मतलब डॉट एंड कॉमा. ठीक है, हम डॉट एंड कॉमा करते हैं. इट मीन्स दैट कि कोई एक वर्ड रिलेट करता है उसकी नेक्स्ट सेंटेंस से. ठीक है, कोई एक वर्ड जो है वो रिलेट करता है नेक्स्ट स्टेटमेंट से, तो वो दो एक स्टेटमेंट एंड वर्ड के बीच में हम सेमी कॉलन लगाते हैं. देन है कॉलन. कॉलन मतलब जैसे कि डबल डॉट. हम डायलॉग राइटिंग्स पढ़ते हैं. ठीक है, अब डायलॉग राइटिंग्स में क्या होता है कि जैसे कि दो पर्सन के बीच में डायलॉग हो रहा है, जैसे टीना एंड शिव. ठीक है, टीना एंड शिव के बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं. तो जैसे कि टीना अगर कोई सेंटेंस बोल रही है तो टीना देन आफ्टर हम डबल डॉट लगा. तो कॉलन एंड इज दैट डबल डॉट जैसे कि हम डायलॉग राइटिंग में इसका यूज करते हैं. ठीक है, टीना से शिव से, तो इसका मतलब क्या होता है सेम, मतलब कि ये डायलॉग राइटिंग में यूज होता है. देन आफ्टर कोटेशन मार्क. कोटेशन मार्क जो हम लगाते हैं जैसे कि सेंटेंस में हम लगाते हैं, जैसे कि अभी टीना अगर कोई सेंटेंस बोल रही है तो उसको हम किसमें लिखेंगे, कोटेशन मार्क में लिखेंगे. ठीक है, किसमें लिखेंगे हम, कोटेशन मार्क में. जनरली कोई भी सेंटेंस होता है, अगर कोई पर्सन कोई सेंटेंस बोलता है तो जो सेंटेंस बोलता है उसको हम किसमें लिखते हैं, कोटेशन मार्क में लिखते हैं. देन फुल स्टॉप, यू नो अबाउट फुल स्टॉप. क्वेश्चन मार्क, ये भी आपको पता है, कोई क्वेश्चन सेंटेंस होता है उसके पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क भी वी नो दैट, जैसे कि भैया, ओ, ऐसे जो भी जॉयफुल सेंटेंस होते हैं और सोरोफुल सेंटेंस होता है, जो भी शॉकिंग सेंटेंसेस होते हैं उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. ठीक है, लाइक सेड विद जॉय, सेड विद सोरो, है ना. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पीछे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. देन एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी एस भी हम यूज करते हैं, जैसे कि दिस इज टीनास पेन. ओके, तो टीनास, टीना के पीछे हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रोफी एस लगाया. इट मीन्स दैट कि एक ऑब्जेक्ट है, पेन है, वो किसके साथ किसको डेडिकेट करती है, तो टीना को. ठीक है, तो जब भी कोई थीम या कोई पर्सन किसी अनदर पर्सन या ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करता है तो उसके पीछे एपोस्ट्रोफी एस लगता है. जैसे कि अभी पेन रिलेट कर रही है टीना के साथ, तो टीनास पेन. ओके, एपोस्ट्रोफी का यूज वहां पर होता है. हाइफन मतलब कि जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं. ठीक है, अब सेंटेंस में कोई एक वर्ड ऐसा होता है कि जिसमें हम उसको रीड एक साथ करते हैं, कोई भी वर्ड हम अगर ले लेते हैं उसको हम एक साथ रीड करते हैं, बट एक्चुअली उसके बीच में क्या मार्क लगा होता है, हाइफन मार्क, मतलब कि उसके बीच में एक छोटा सा डैश आपको दिया होता है, उसका भी एक मीनिंग निकलता है. क्या मीनिंग निकलता है कि ये दो वर्ड अलग अलग है. ठीक है, तो इसके बीच में हाइफन मिलता है. देन डैश. डैश यू नो दैट कि डैश हम लगाते हैं जनरल, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में हम डैश लगाते हैं, और जैसे अंडरस्क्रोल करने के लिए भी हम डैश लगाते हैं. डैश इज कॉमन. ओके, सो हियर इज योर पंक्चुएशन टॉपिक इज कंप्लीट. नाउ वी आर गोइंग फॉर कैपिटल लेटर. अब कैपिटल लेटर कब लगते हैं, ठीक है, उसके फोर कंडीशंस है.
मेन कंडीशंस कितने हैं? फोर। कौन से? तो फर्स्ट कंडीशन कि जब भी हम कोई न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हो तब कैपिटल लेटर लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ल्ड करके ये स्टार्ट किया, कॉमा है ना, तो ये कॉमा वर्ड है, भले ही वर्ड है लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ? फर्स्ट नंबर से, वो फ्रंट से स्टार्ट हुआ तो उसका फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिखा है। अगर हम पैराग्राफ पे लिखते हैं तो पैराग्राफ में भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ओके, जब भी पैराग्राफ स्टार्ट होता है, आंसर अगर हम लिखते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आंसर जब स्टार्ट होता है तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो जब भी हम सेंटेंस जहां से स्टार्ट करते हैं तब फर्स्ट लेटर कैसा लगता है? कैपिटल लगता है। ओके, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन इज दैट कि अगर कोई क्वेश्चन का हम आंसर लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, वो कैसे लिखते हैं? हम डायरेक्ट सेंटेंस टू सेंटेंस लिखते हैं, ऐसे पॉइंट आउट करके हम नहीं लिखते। तो जब भी एक सेंटेंस खत्म होने के बाद हम जब फुल स्टॉप लगाते हैं, ओके, एक सेंटेंस खत्म होने के बाद जब फुल स्टॉप लगाते हैं, देन आफ्टर जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल होता है। ओके, तो सेकेंड कंडीशन कौन सी थी? कि जब भी एक ही पैराग्राफ हो या एक ही क्वेश्चन का आंसर हो या व्हाटएवर, फुल स्टॉप के बाद अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो तब कैपिटल लेटर का यूज होता है। ओके, थर्ड कंडीशन इज दैट व्हेनेवर इन द सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर जब भी आई, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू में? मैं, नॉट एनी आई जस्ट लाइक दैट एक्सक्लेमेशन के बीच में आया, ऐसा आई नहीं। आई कौन से पॉइंट ऑफ व्यू में होना चाहिए? आई मीन्स मैं। ओके, तो आई मतलब कि मैं, ये आई का यूज अगर सेंटेंस में होता है तो कैपिटल होता है। मतलब कि अगर सेंटेंस के बीच में, लास्ट में, फर्स्ट में, कहीं पे अगर आई आता है, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया कि अगर हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं और खुद के लिए अगर हमें आई यूज करना है तो भले ही वो सेंटेंस के बीच में लिखना हो, सेंटेंस के लास्ट में लिखना हो या कहीं पे भी लिखना हो, आई कैपिटल आई। ओके, फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन इज दैट कि अगर सेंटेंस में कहीं पे भी कोई प्रॉपर नाउन का यूज होता है, हम नाउन पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एक्सेट्रा, सारे नाउन हम पढ़ चुके हैं, तो जब भी सेंटेंस में कहीं पे बीच में, लास्ट में, फर्स्ट में, कहीं पे भी अगर प्रॉपर नाउन का यूज होता है तो वो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। ओके, फिर चाहे वो प्रॉपर नाउन हमारे पेट डॉग का हो या कोई पर्सन का हो, सिटी का नेम हो, कंट्री का नेम हो, वॉट एवर, ठीक है, बट प्रॉपर नाउन है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा, द लेटर वॉज रिटन बाय सीमा। ओके, अगर मैंने यहां पे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखा है, द लेटर वॉज रिटन बाय सीमा, अब इसमें प्रॉपर नाम कौन सा है? सीमा, ठीक है, सो सी दैट यहां पर मैंने एस कैपिटल लिखा है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें तो आई लिव इन इंडिया, ये पूरा ये सेंटेंस है, स्पेस नहीं है इसलिए मैंने जस्ट एग्जाम्पल यहां पे एडजस्ट किया है, बट ये पूरा एक सेंटेंस है, आई लिव इन इंडिया, ठीक है, इंडिया कंट्री का एक प्रॉपर नेम।
फर्स्ट लेटर हम कैसा लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। सो इस ये चार कंडीशन थी कैपिटल लेटर को डब करने की। फर्स्ट, कि जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तब। सेकंड, जब अगर हम पैराग्राफ या क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टॉप के बाद जब